वेल स्वागत है आप सभी का एबीसी फूड चैलेंज विद स्ट्रेंजर्स के पार्ट टू के अंदर। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करो, आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखो। काफी ज्यादा धमाकेदार एपिसोड था। अगर रूल्स की बात की जाए तो 26 अल्फाबेट्स को 13-13 डिवाइड किया जाएगा और हम दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो अल्फाबेट्स को। फिर बाद में हमें जाके स्ट्रेंजर से पूछना है कि उनके दिमाग में वो अल्फाबेट से क्या खाने का नाम आता है। अल्फाबेट से खाने का नाम बोलेंगे, हमें वो पूरा करना है, उसके बाद हम अगले अल्फाबेट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि अपने अल्फाबेट सबसे पहले कौन कंप्लीट कर पाएगा। तो गाइस स्वागत करते हैं हमारे वीडियो के अगले स्टार का, K18 स्टार कौन है? बट इस वीडियो में एंड में खाली एक ही स्टार होगा क्योंकि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। चेहरे से गलत फहमियां पाल रखी है। रूल्स की बात की जाए, आपको मालूम है कि एक एक अल्फाबेट स्किप करके आपको अपना अल्फाबेट कंप्लीट करना है। यानी कि अगर ए आपका हुआ तो फिर बी मेरा रहने वाला है और सी आपका, और ऐसे करके आपको जेड तक जाना है। एक्स वाई एंड जेड जो है वो स्किप है क्योंकि उनसे भी अल्फाबेट से कोई खाने का नाम मिलना बड़ा मुश्किल है, और क्यू भी स्किप है। तो इस तरीके से हमने 26 लेटर्स में से 4 अल्फाबेट जो है वो स्किप कर दिए हैं। तो यानी कि दोनों के हिस्सों में 11-11 अल्फाबेट्स आने वाले हैं। आप अपने कैमरामैन से यानी कि अपने पार्टनर से 3 अल्फाबेट्स पूरे करवा सकते हो। 3 लाइफलाइन है, 3 लाइफलाइन है आपके पास जो आप कभी भी यूज कर सकते हो, और एक अल्फाबेट आप कभी भी स्किप कर सकते हो कंप्लीटली। जो सबसे पहले अपने सारे अल्फाबेट्स कंप्लीट करेगा वो जीतेगा। यहाँ पे बात की जाए धनराशि की तो ये आपकी धनराशि है जो आप यूज करने वाले हो आगे। ये वीडियो का बजट है, छोटे यूट्यूबर है तो थोड़ा कम बजट ही है। मैं गरीब हूँ। धीरज इज गोना बी विथ मी एंड सौम्य इज गोना बी विथ मी। आर यू रेडी? यस। ए किसका रहेगा और बी किसका रहेगा उसका डिसाइडर स्टोन पेपर सीजर से कर लेते हैं। स्टोन पेपर सीजर क्या चाहिए, ए या बी? ओके, सो आई विल गो विद ए सी ई का पैटर्न और ये जाएंगे बी डी एफ वाला पैटर्न। 3, 2, 1 आ जाओ धीरज भाई, जल्दी आ जाओ। वो लोग निकल चुके हैं और अपन लोग भी निकल रहे हैं। भाई एक बात बता कि गुड़गांव में कोई जगह पता है आसपास? मैं तो नया हूँ भाई। ये किसको पकड़ा दिया मेरे को धीरज भाई को बिठाना चाहिए था। वैसे उसकी डाइट तो अच्छी है, नो डाउट वो मतलब अच्छा खासा खा लेगा पूरा। यस, तने पहले मेरे से चीटिंग कर लिया गाइस, ये तो फाउल कर दिया। मैं नहीं मान रहा। लेट्स सी वो मिली से ज्यादा टफ कंपटीशन दे पाता है या नहीं दे पाता है, मेन वो है। जीतना कौन है वो तो मेरा फाइनल है। ये तो सही में हंसते में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए यही कर दी कि मैं जाऊं कहां पे, मेरे को पता ही नहीं है रास्ते यहां के। ओके गूगल, रेस्टोरेंट्स नियर मी। केतन अचानक से एक लेफ्ट टर्न लिया है पता नहीं क्यों। हां वहां पे मैकडॉनल्ड्स था शायद, वहां पे जाके कस्टमर्स को पूछेगा बी से बर्गर ही आने वाला है। बी से कोई एक खाने का नाम बताओ जो मैं खा सकता हूं। कोई भी नाम बता दो बी से खाने की चीज, कोई भी हो सकती है। जैसे मैं सर कौन सी जगह पे जाऊं जहां पे ए से मेरे को सीधा एप्पल ही मिल जाए। देखो कोई खाने की आइटम बताओ जो बी से शुरू होती है। बिरयानी या बर्गर भी बोल सकते थे यार, काम हो गया मेरे साथ तो। ये भाई मैकडी में खड़ा होकर कोई बी से बिरयानी कैसे बोल सकता है? तो अभी कहाँ जा रहे हैं? वही तो ढूंढ रहा हूँ भाई, वो सोचना होता है पहले। पहले कैसे सोचो, कोई गेम प्लान नहीं था। मेरे को पता है मैं जीतूंगा, मैं बिना खाए भी जीत जाऊंगा। मेरा ही वीडियो है, कभी भी एडिट करवा सकता हूँ केतन का पार्ट। सो आई एम गोइंग टू दिस शामा चिकन कॉर्नर, यहाँ पे वेज बिरयानी भी लिखा हुआ है मेन्यू में, सो वेज बिरयानी ऑर्डर करता दो। ए अल्फाबेट से आपके दिमाग में खाने का जो भी नाम आता है किस नाम से, मतलब कुछ भी ए से, ए से आ गया। बताओ आलू के परोठे। आलू के परोठे, अरे मेरी किस्मत ऐसी है या मैं गलत लोगों से पूछ लेता हूँ। सो ये हमारी वेज बिरयानी है यार। मैं कालू टिक्की में खत्म हो सकता था, ये क्या खाना पड़ गया यार पहली में, मेरा पेट भर जाएगा। बिरयानी इज ओवर गाइस, ये आप खाओगे? वैसे आपके पास नो बोलने का ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है ये पराठा है वो मैं खा लूंगा। बी से आपको कुछ भी खाने का नाम बोल। दही। चलो सॉर्टेड है। सो बिरयानी जिससे हम लोगों ने ली थी उसी से पास जाके हम लोग बोलेंगे कि दही भी दो हमें। फाइनली वी गॉट दही फॉर नो प्राइस, क्योंकि यूजुअली बिरयानी के साथ दही आता ही है तो मैंने बाद में मांग लिया। मेरा बी और डी हो गया है। बी से क्या आया था? बी से बिरयानी और डी से दही आ गया था। अबे यार ए पे हूँ मैं, आलू पराठा खाओ खाओ चल भाई भाई भाई। अब मेरे को सी से कोई छोटा सा चाहिए, पकड़ लेंगे पर अपन। क्या पकड़ लीड? आपने क्या सोचा? मैकडॉनल्ड्स में आया हूँ एंड इस बार तो डायरेक्ट ऑर्डर ही करने की सिर्फ पूछना नहीं है, और अंदर पूछ भी सकता हूँ ऐसे इस बार ठीक बंदे से पूछूंगा, उससे सेम बंदे से भी पूछूंगा। अरे बाप रे, इतनी गर्मी में इतना कुछ खाना, वो भी इतना हैवी ऑयली ऑयली।
केतन भाई अपडेट, मेरा FB होने वाला है। F से मतलब तेरा कितना, 3 हुआ ना, तेरा तीसरा है ना। तीसरा है ये, तेरे कितने हो गए? मेरा भी तीसरा होने आया। चल ठीक है, ओके चल भाई। पेट दर्द हो जाएगा यार ये सब खा के, मैं खाता नहीं हूँ फ्राइज वगैरह बाहर के। लास्ट ब्लॉग में शायद मैंने बोला था कि हम लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाता मैं एक्चुअली, बट आज खाना पड़ रहा है यार। अल्फाबेट से आपके दिमाग में खाने का जो भी नाम आ रहा है, थैंक यू मैम। काश वाइपर होता मेरे साथ, थोड़ी सी हेल्प हो जाती। उस जालिम से पूछो जिसने छोले भटूरे और आलू पराठों के बाद एग खाया है। एग से खाने का नाम हॉट डॉग। सुबह हॉट डॉग जोमेटो में डाल रहा हूँ एज अ क्विजीन, और जो भी रेस्टोरेंट में मिलता होगा हम लोगों को दिखा देगा। जी अल्फाबेट से आपके दिमाग में खाने का जो भी नाम आ रहा हो, हाँ तुम बताओ। जी से खर्च नहीं, सोच लो थोड़ा। हाँ जी अल्फाबेट से खाने का या पीने का? खाने का पीने का कुछ भी। गन्ने का रस। थैंक यू भाई, फाइनली एक रिलीफ मिला के फाइनली पहली एक ड्रिंक हमें मिली है। गन्ने का रस गिना जाएगा भाई, शुगर केन में नहीं गिनोगे आप उसे, गन्ने में। आप इंडिया में रह रहे हो, हिंदी में वर्ड चलते हैं यहाँ पे। 24/7 हमारा पुराना प्यार, यहीं पे हमें हॉट डॉग भी मिल जाएगा। बीच में जाते थे देखा, क्योंकि हॉट डॉग यहाँ पे आसपास कोई और रेस्टोरेंट में दिख नहीं रहा था। गॉट माय हॉट डॉग, बट एज यू ऑल नो मेरे को हॉट डॉग इतने पसंद नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी हो, बट लेट्स ईट इट। गाड़ी में अभी बैठ चुके हैं क्योंकि गन्ने का रस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो पहले जाके गन्ने का जूस ढूंढते पीते, उसके बाद अगले अल्फाबेट की तरफ बढ़ते। नहीं खाया जाएगा भाई। चलिए शुरू करते हैं। एक ग्लास बनाते छोटी वाली। हाँ एक छोटी वाली। हमारे 4 हो गए ऑफिशियली है ना, हंस तरह शायद चौथा नहीं हुआ अभी तक। आई अल्फाबेट से आपके दिमाग में खाने का जो भी नाम आता हो बताओ मेरे को। आई फॉर एप्पल। भैया आई से आपके दिमाग में खाने का जो भी नाम आ रहा हो, आई फॉर एप्पल। अरे ये भी, अरे ये आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, धन्यवाद भाई, फाइनली थैंक यू वेरी मच भाई। ऐसे करो, आई फॉर आइसक्रीम मिला, ये भी मैं ही खा रहा हूँ पक्का। एक आपको आंसर देना है, दे दोगे? जी अल्फाबेट होता है ना, उससे कुछ खाने का नाम बता। जी अल्फाबेट से आपको कुछ भी खाने का नाम बता। जामुन। जामुन तो कर लिया, जामुन कहाँ मिलेंगे अभी? एलेपिनो। तो एलेपिनो बोला है अभी यार ने, बर्गर किंग इज द ओनली सॉल्यूशन। बैठ के आराम से आइसक्रीम खाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, और अच्छा वर्ड मिल गया मेरे को आइसक्रीम। जोमेटो वाले पहले तो दोनों भैया ने आई से एप्पल बोल दिया, फॉर एप्पल, फिर बाद में आ जाए अरे आई से तो आइसक्रीम होता है बाप। तो आई फॉर आइसक्रीम मिल गया अभी हमें। ये नाम से तो सर केला है और क्या है भाई, केले खा सकते हैं, लेट्स गो। वैसे वो बनाना होता है, बट कैसे केला भी हो सकता है, वो जो भी उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भावनाओं को समझ। हमारी आइसक्रीम जो है कम्प्लीट होती है, अब हमारा अगला अल्फाबेट है के। हमारे कंपटीटर्स यही घूम रहे। सो गाइस के से केला भी हो चुका है, मदरफकर्स। हाँ थोड़ी देर बैठ के वार्तालाप करते हैं, खा खा के थक गए होगे ना। ये बताओ कि अभी तुमने केला खाया, वो किस चीज का खाया? के थोड़ी ना है तुम्हारा, क्यों नहीं है? के कैसे हुआ? के तुम्हारा कैसे हुआ? इन लोगों का बी है ना, बी से आना चाहिए ना। हाँ भाई ने के से केला खा लिया, जबकि के तो मेरा हुआ अल्फाबेट था। एल से कुछ भी खाने या पीने का नाम बता दोगे? एल से लीची हो गया। लीची वहाँ मिल जाएगी। के अल्फाबेट से आपके दिमाग में खाने का जो भी नाम आ रहा हो। कीवी फल आ रहा है। कीवी फल, थैंक यू। Here comes लीची। रिस्पॉन्स खराब हो गए, खट्टा है बहुत, मेरी आंखों से देखो पानी आ रहा है। आ रहा है ना। एन से कुछ भी खाने या पीने का नाम बता दो। एन से नारंगी। नारंगी ऑरेंज, तो ऑरेंज जूस भी ले दे फिर। ऑरेंज रॉ का ऑरेंज जूस। तू मेरे को 3 कोई भी दे सकता है ना। हाँ बता दे कौन सा कौन सा। मैं दे नहीं सकता, मैं खा सकता हूँ। तू खा सकता है कोई भी। हाँ। इधर बैठो। आओ भाई। नहीं 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 नहीं। अरे थोड़ी देर। क्या कंपटीशन के लिए बताओ, दोस्त आज दोस्त नहीं रहा। इसे कुछ भी खाने का नाम बता दो या पीने का भी चलेगा। पकौड़े। पकौड़े, थैंक यू। आपके दिमाग में अल्फाबेट से जो भी खाने का नाम पहले आ रहा हूँ, मंचूरियन। थैंक यू भाई। येलो ब्रदर,
खा लो ये तुम। हम जो छोले खा के गए थे तो अभी भी प्लेट इधर ही पड़ी है। वापिस मंचूरियन खाने के लिए आए हैं इधर, और ये मंचूरियन मैं नहीं खाऊंगा, धीरज भाई खाएंगे। मेरे हिम्मत ही नहीं है, मेरे बस की ही नहीं है अभी भाई। अगर मैंने ये खा लिया ना, मैं जॉड बन के गॉड के पास पहुंच जाऊंगा। डन सीन है, पनीर पकौड़ा इज डन। क्या हो गया भाई? मेरे को अंदर चेन रिएक्शन हो रहे हैं। आलू पराठा, छोले भटूरे, एग, बहुत अजीब अजीब मिला है भाई। कीवी, फिर गन्ने का रस, फिर आइसक्रीम। अभी मंचूरियन खा लेगा ना मर जाएगा। अगर मंचूरियन खा लिया तो बोला तो मेरा जॉड होने का, गॉड के पास पहुंचने का रास्ता पक्का है भाई। खाने या पीने का नाम बताओ। और याद आ रहा है कुछ? बता दो यार। रोटी। एक बार इनका मंचूरियन खत्म होने दो, उसके बाद जाके गाड़ी में मैं जाके लेटने वाला हूँ। कैन यू गेस एनी फूड और बेवरेज आइटम स्टार्ट नेम विद टी? अल्फाबेट टी। यस टी। ओके, थैंक यू। खत्म, लास्ट ऑफ चाय पीनी है बस। सो टी से मेरी चाय आ चुकी है और आर से इसकी रोटी आ चुकी है, एंड हम लोग जीत जाएंगे वंस आई एम डन विद माय टी, क्योंकि अब थोड़ी सी गर्म है तो मैं आराम से पीऊंगा। चीयर्स। खत्म भाई, हो गया हमारा सारा। तुम्हारा कैसे हो गया भाई? कैसे क्या हो गया सब, रिकॉर्ड करा है कैमरे में, देख लेना। बताओ मेरे को, तुम तो एल पे थे ना, तो उसके बाद हम लोग एक जगह आए, वहाँ पे सब हो गया है। आखिरी चाय की चुस्की ले रहे हैं, विक्ट्री विन। और वी से? वी इग्नोर कर दिया हमने, वी स्किप कर दिया। और Am I the winner now? Are you satisfied? Oh, भाई थक हार के परेशान हो गया था ऐसे। Bye. कैसा लग रहा है भाई हार के? भाई इतना अपने आप को घिसा, हालत खराब कर ली, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरा पेट फट रहा है, घर जाने तक का भी हिम्मत नहीं मेरे को लेटने का इधर, बस मंचूरियन खा ले। पागल वागल हो गया भाई, मर जाऊंगा मैं। अब क्या करोगे ये मंचूरियन का? खा लूंगा थोड़ा। आप तो साला खाने के नाम से उल्टी आ रहा है, मतलब नाम भी मतलब टेस्ट के लिए खा ले। ऐसा टेस्ट नहीं है केतन। घर पे आ गए हैं थक हार के। ठीक है, अच्छा लगा कि कंपटीशन बहुत अच्छा मिला, बट अंदर ही अंदर वो भी है कि इतना कुछ सहा और इन द एंड काफी बड़ी लीड से हारे हैं। सर भी नहीं है, मतलब हम लोग तो एम तक ही पहुंचे थे। हेलो सर, आ गया क्या? जी ब्रदर। कोई नहीं, अपनी दवाई का ही स्वाद खुद चखा इसे। मतलब तो जगह का नाम भी नहीं पता था कहाँ पे क्या है, और वहीं पे भी मेरे को मिल रहा है, इससे पहले जाके पहुंचा उन जगहों पे। मेरे को आइडिया नहीं है मेरे को क्या क्या है, ये भी खाना पड़ा है। बट एनीवेज गाइस, इसी के साथ केतन जो है वो हमारा ये पार्ट टू एबीसी चैलेंज जीतते हैं। जिस टू हिम वेरी वेल प्लेड, काफी अच्छी तरीके अच्छी लीड से भाई ने हारा दिया। बढ़िया चैलेंज निकालो जो टक्कर भी दो। बट एनीवेज गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू फॉलो केतन। अगर आप बहुत से ऑडियंस हो वैसे भी केतन को जानते होंगे कि भाई साहब कौन है, बट अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, काफी बढ़िया और फेमस डेली ब्लॉगर हैं, डेली ब्लॉग्स डालते हैं। तो मेक श्योर टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब विद द सेम एनर्जी एंड इंटेंसिटी। सब्सक्राइब कर देना हमको भी, एंड लाइक करना इस वीडियो को, कॉमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगेन वंस अगेन, केतन ओपी इन द चैट हो जाना चाहिए, थैंक यू जीतने के लिए। एंड इसी के साथ ये वीडियो को हम खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा अंदर जाना है, सोचने नेक्स्ट चैलेंज सोचने जाना है, और कहीं नहीं जा रहा, सोचने जा रहा है। Come in my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new